Good morning all. In our last class we already have started this chapter living organism and their surroundings. Okay, in this sequence we have already discussed about biotic components and abiotic components. Okay, apart from these we also have discussed about interaction between them. पहले अपन ने बायोटिक कंपोनेंट्स देखा एनवायरनमेंट के, फिर अपन ने एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था. ओके, और अपन अपनी लास्ट क्लास में इंटरेक्शन भी इनके बीच में देख चुके हैं. एंड वी ऑल्सो हैव सीन इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है, अपन ने बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन तो देखा ही था. अपन ने एनिमल एंड प्लांट्स जो है इस नेचर में रहने वाले वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ये भी अपन ने डिस्कस किया था. ओके, एंड देन वी हैव स्टार्टेड आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी हम स्टार्ट कर चुके थे. ओके, सो आर टुडेज टॉपिक इज हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशंस इन लिविंग बींग्स. हैबिटेट एंड अडेप्टेशंस habitat and adaptations in living organism. Living organism, ये जो अपना टॉपिक है हम पहले ही इस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में. ओके, और इसमें अपन ये भी बात कर चुके हैं कि habitat तो क्या होता है और adaptation क्या होता है. ओके, habitat और adaptation के बारे में हल्का सा अपन ने बात कर ली थी. अब देखो, जब अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इनका हैबिटेट और अडेप्टेशन के बारे में अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो एज वी ऑल नो दैट जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स अपने आसपास रह रहे हैं, और वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि या तो आप प्लांट्स को सेपरेटली बोल दो या एनिमल्स को सेपरेटली बोल दो. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अपन क्या करें, इनको कंबाइनली अपन इनको बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम जानते हैं कि उनको किसकी नीड होती है, फूड की. किसकी नीड होती है, फूड की. फूड होगा तभी वो मतलब फूड होगा तो फूड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में उनको क्या करता है, हेल्प करता है, वो सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, तो अब अपन ने ये तो देखा कि उनको फूड की नीड होती है, फूड नहीं होगा तो वो नहीं होंगे. तो फूड की नीड तो होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फूड की ही नीड होती है. ओके, उनको सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड तो होती है, लेकिन फूड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको जिसकी नीड होती है. लाइक प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, उनको नीड होती है कि उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट वो एनिमीज से भी प्रोटेक्ट रहें. ओके, क्योंकि अगर एनिमीज से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो वो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं. ओके, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, फूड की नीड तो है ही है जो सबसे बेसिक नीड आती है. उनको फूड एनिमीज से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए इसके भी काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है, और हार्श इन्वायरमेंट, मतलब अगर कहीं किसी भी प्लेस का इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो तो बिल्कुल भी उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो वो बिल्कुल भी उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ओके ना, तो फूड की नीड के अलावा ये भी उनको नीड है कि वो एनिमी से प्रोटेक्ट करें. ओके, और वहाँ का जो वेदर उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी जो है वो एबल हो उस इन्वायरमेंट में अच्छे से सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करने के लिए. क्योंकि अपन जानते हैं कि जब भी अपन क्या करते हैं, कोई बहुत अपन क्या करते हैं, हॉट वेदर में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत कोल्ड वेदर है, ओके, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो दोनों ही कंडीशन में अपन कंफर्टेबल नहीं होंगे. किसीलिए कंफर्टेबल नहीं होंगे, अपन प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे. वी कांट डू वर्क इन प्रॉपर वे, अच्छे से अपनी इवन बॉडी पार्ट्स अपने अच्छे से काम नहीं करेंगे. ओके, तो प्रॉपर वे में हम वर्क नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये ज़रूरी है कि जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ या तो अपनी बॉडी की एबिलिटी इतनी हो कि उस टेम्परेचर को, जितना भी टेम्परेचर है उसको अफोर्ड कर पाए, या फिर ये है कि मतलब जितनी बॉडी अपनी टेम्परेचर को अफोर्ड कर पा रही है इस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहे. ओके ना, तो जैसे अगर अपन बात करें किसी भी प्लांट का, जैसे ड्वेलिंग है
एक सेफ प्लेस है, मतलब ये किसी भी एनिमल के लिए, एनिमल का क्या हो गया ये, एक मतलब अग हाउस क्या होता है, हाउस क्या करता है, वेदर से इन वेदर से प्रोटेक्ट करता है, एनिमी से प्रोटेक्ट करता है अपने को, काफ़ी सारी वेराइटीज़ जो अपनी है, काफ़ी सारी चीज़ें अपने को प्रोवाइड करवाता है, ओके ना। तो जैसे ड्वेलिंग है तो वो क्या है, एक सेफ प्लेस है, अपना जो हाउस होता है वो क्या होता है अपने लिए, एक सेफ प्लेस होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। वहाँ पे अपने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो अपने को प्रीडेटर से, प्रीडेटर कौन होते हैं, अपने एनिमीज, एनिमीज क्या होते हैं, प्रीडेटर, तो प्रीडेटर से सेव करता है अपने को, फूड प्रोवाइड करवाता है, वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें डियर की, ठीक है, तो डियर जो है वो जैसे बियर की बात करें, चलो बियर का देख लेते हैं, ठीक है, तो बियर की जो बॉडी है वो इस तरह से बनी हुई होती है कि उस वेदर में वो क्या कर पाए, खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, ओके। जैसे अगर अपन एक बात करें एक हाउस की, तो हाउस क्या करता है, अपना एक हैबिटेट होता है, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें अपने को अपने हाउस से मिल जाती है, जिसकी भी नीड होती है अपनी बॉडी को, ओके ना। नाउ अगर अपन बात करें जब तो इस तरह से ये क्या होता है, अडेप्टेशन होता है, ये हर जगह पे हर एनिमल्स के लिए, जिस एनिमल्स जो एनिमल जहाँ पे रहने वाले हैं उनको उसके अकॉर्डिंग, उसमें उसका एनवायरनमेंट जो है उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड, उनकी बॉडी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट रहती है। तो अपन बात कर सकते हैं सी, डेजर्ट, ओशियंस, इन सारी जगहों पे क्या होता है, इन अडेप्टेशंस होता है प्लांट्स के लिए। और अगर अपन बात करें मतलब ओशियंस में रहने वाले एनिमल्स, इन सब के लिए अपना क्या होता है, अपना एक सेपरेट हाउस होता है। और अगर अपन बात करें एक हैबिटेट की, एक हैबिटेट की, तो हैबिटेट जो है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ए हाउस और ड्वेलिंग, ओके। तो इसमें ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको ये क्या करें, मतलब कुछ कंडीशंस है वो फॉलो करनी चाहिए, उसको अपन क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। जैसे एक तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई, जितना फूड अपनी बॉडी को नीड है उतना फूड वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, फूड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सबसे फर्स्ट आता है, ओके। नेक्स्ट है उसमें इतना टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि अपनी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या तो अपनी बॉडी चेंज हो जाए, या फिर उस इन्वायरमेंट में जितना टेम्परेचर है उस उतने टेम्परेचर को अपनी बॉडी अफोर्ड कर पाए, नहीं अफोर्ड कर पाए तो उसका अपनी कुछ सॉल्यूशन हो, मतलब ऐसा हो कि इतनी एबिलिटी हो कि उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्टिंग साइट, जैसे कुछ एनिमल होते हैं, ओके, रेस्टिंग स्टेट उसके अंदर होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी, अगर ये फीचर्स नहीं होंगी, तो उसको हम हैबिटेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एबल होते हैं ऐसे ऐसे मतलब किसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर एबल हैं उसमें सर्वाइव करने के लिए, तो वो उनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, ठीक है। और अडेप्टेशन अपन ने जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, अपनी बॉडी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अपने अंदर करती रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अडेप्टेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अडेप्टेशंस कहेंगे, ओके। सो अब अपन देखते हैं कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के अडेप्टेशंस के बारे में अपन देखते हैं। जैसे अगर कोल्ड रीजन वाले एनिमल्स के बारे के अडेप्टेशन की बात करें, जैसे बियर है अपने पास में, बियर अपने लिया था, ठीक है, तो उसके अडेप्टेशन की अगर अपन बात करें, तो उसकी जो स्किन की लेयर होती है वो काफ़ी क्या होती है, थिक लेयर होती है। तो थिक लेयर उसमें होती है क्यों, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करेगा, थिक लेयर हो गई, ओके। और क्या होते हैं, बिग फर होते हैं उसकी बॉडी पे, बिग फर, ओके, बड़े बड़े हेयर होते हैं उसकी बॉडी पे, जो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। और अगर अपन बात करें, ठीक, उसकी स्किन हो गई, बिग फर हो गए, ठीक है। और अगर अपन बात करें उनके फुट की, तो उनके जो फुट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड होने से क्या होता है, ब्रॉड से क्या हो गया कि वो उस जो आइस वाला एरिया, उसमें शिंक नहीं करेंगे, नॉट शिंक नहीं होंगे उनके जो लेग्स हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं, ये किस वजह से हैं, इनमें किस में होते हैं ये अडेप्टेशंस, ये एक बियर में होते हैं, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज, कुछ एनिमल्स की अगर अपन बात करें, तो कुछ एनिमल क्या करते हैं, इनमें क्या होती है, जैसे मैं कोल्ड रीजन वाले एनिमल्स की बात कर रही हूँ ना, ठीक है, जैसे बियर का अपन यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, तो कुछ एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होती है, हिबरनेशन होती है,
हिबरनेशन का मीन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सीजन में ये क्या कर जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, स्लीपिंग, और इसमें ये क्या करते हैं, अपनी सारी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको ये स्टॉप कर देते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कुछ नहीं करते, जो भी खाना है जो भी करना है वो एक साथ में करके फिर लॉन्ग टाइम तक क्या कर लेते हैं, ये स्लीप करते हैं, ओके ना। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अडेप्टेशन अपन हॉट डेजर्ट में भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन बाकी सारे जो अडेप्टेशन हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, बट इन आर नेक्स्ट क्लास, ओके। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।